जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका तेजस एनसीसी आर्मी चैनल में। तो अभी के क्लास में हम लोग 2023 एग्जाम के लिए टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें वेपन के बारे में पूछता है और इन्फेंट्री टॉपिक का ही नाम है, इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो राइफल यानी वेपन ट्रेनिंग का भी मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें, तो दोनों टॉपिक मतलब इजी हो जाता है, दो टॉपिक एक ही हो गए, कितना मजा। और सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बाकी जो लोग पढ़ेंगे कहां से, अभी मैंने होमवर्क दिया था ना पिछले क्लास में, बताया था कि जिन लोगों को पता नहीं कहां से पढ़ना है क्या पढ़ना है, इस ऐप को आप लोग सब लोग डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से और यहां से पढ़ के आएंगे। तो जो लोग ऐप डाउनलोड नहीं किए या फिर जिन आपके दोस्त को नहीं पता हो, आपके बटाले में किसी को नहीं पता, तो अपने क्लास में सब लोग बता देंगे कि प्ले स्टोर से सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे और पढ़ के आएंगे, ठीक है। होमवर्क करके रेगुलर क्लास करना है। बाकी पीडीएफ इस वेबसाइट पर है, जिनको पीडीएफ लेना है यहां से लेंगे, और कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करेंगे। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग नए होंगे, या फिर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। ठीक भाई, ये कहां चला गया, ये लैग करने लगता है, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसे क्या हो गया। अरे ये कब से व्हाइट ही दिखा रहा, कमाल है, ये क्या मजाक है, ये तो कब से व्हाइट दिख रहा है, ये नहीं दिखा रहा, ठीक है। पढ़ के कौन कौन आए हो, पढ़कर कौन कौन आए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कुछ इसका इश्यू हो गया लगता है, ठीक है। सिस्टम लैग कर रहा है ना, इसकी वजह से थोड़ा टेक्निकल इसका इश्यू हो गया, तो अभी इसको ठीक करते हैं। होमवर्क कर करना, ठीक है, नहीं तो फिर क्लास करने का और क्लास लेने में मजा नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स, ये क्या हो रहा, गायब क्यों हो जा रहा है, ये कैसा मजाक है, ये तो ठीक है, ये क्यों भाग रहा, ठीक है। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। अब ऊपर वाला इसका गायब हो जा रहा है, ठीक है, अभी दिख रहा है ना सभी को। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है, 6.2 अंश, 8.2 अंश और 6.10 अंश या फिर 8.10 अंश। तो वेट ऑफ 0.22 डिलक्स राइफल, चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर सभी का आना चाहिए, चलिए फास्ट, इट्स वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन। वेट ऑफ 0.22 डिलक्स, अगर ये 0.22 है तो इसका वजन कितना होता है, आंसर सभी का आना चाहिए। अरे तो आप लोग काफी खतरनाक हो, अरे मासूम देख रहे हो, ठीक है। सभी का 0.22 डिलक्स का वजन 6.2 अंश, ऑल आर करेक्ट, सभी लोग ठीक है। तो ऐसे पढ़ के आना, ठीक है, तो ऑप्शन नहीं होगा 6.2 अंश। 7.62 mm SLR की कुत्तर कितनी होती है, कुत्तर मतलब कैलिबर, 5.6 mm, 7.62 mm, 0.22 mm या फिर 7.62 cm। 7.62 mm SLR का कैलिबर कितना, चले जल्दी, मैं अपने घर से लाइव बताऊ, मेरे आंसर बताइए फास्ट, गुड जोश। टॉप फाइव फिनर का नाम आएगा, बस ओनली टॉप फाइव फिनर, कौन है टॉप फाइव में, चलिए जल्दी, धीरू, सीतू, प्रियांशु रामनारायण, विनोद नीलम, प्रियंका जयश्री, गुरजोश, हाँ ठीक है। बाकी लोग भी सब लोग सही हो। अभी देखिए किसी भी राइफल का कुत्तर पूछ रहा नहीं कैलिवर, तो जो उसके नाम की जो नाम है ना, इस नाम के जो आगे होगा ना जितना नंबर के साथ पूरा लिख देंगे। वैसे एसएलआर का कितना है, एसएलआर का यहाँ पे 7.62 mm है, तो पूरा 7.62 mm, ठीक है, तो ऑप्शन बी वाले परफेक्ट है।
बाकी लोग जिनको समझ नहीं था पहले से ध्यान रखिएगा, बाकी आपस में भी सेम टाइप होता है। 5.56 mm इंसास का वजन कितना होता है, 5.1 kg, 4.1 kg, 3.69 kg या फिर 4.4 kg? वेट ऑफ इंसास, जल्दी अनिल आंसर बताइए, बटालियन से कांटेक्ट करो। सभी को जय हिंद। चलिए रफ्तार होना चाहिए, रफ्तार इसकी तरह जैसे ये फायर करता है ना, खतरनाक सा ये कॉकिंग देखते हो पूरा एकदम झटका से जाता है, मजा आ जाता है। क्रांति ने वर्मा, नेहा, मिस्टर सूर्या, ठीक है याचिका आप लोग गलत बता रहे हैं। अरे इंसास का वजन पूछा है, मतलब पूरा इंसास लोडेड है, लोडेड इंसास का वजन बताएंगे ना, ये थोड़ी पूछा खाली मैगजीन के साथ। जो लोग नहीं पढ़े सब गलत जा रहे हो, बी वाले सब गलत है, परफेक्ट वन है माखन चोर है। जय हिंद गोविंद, ठीक है बाकी सब गलत जा रहा, ऐसे कैसे होगा? कुछ लोग ए लिख रहे हैं, अरे बेटा 5.1 एसएलआर का होता है, कमाल कर दो। अरे इंसास का ये दो होता है, सी तब होगा जब खाली मैगजीन पूछेगा, अभी ये होगा ठीक है। तो 4.4 सॉरी ये बी वाला 4.1 केजी वाले सही है, एक दो बंदा सही, बाकी सब गलत है। बी वाले करेक्ट, बाकी सब गलत। 7.62 mm एसएलआर में कितने खांचे होते हैं, 8, 6, 2 या 4? आप पूरा याद रखो ना, एसएलआर का वजन दो गो होता है, एक खाली मैगजीन एक भरी मैगजीन। इंसास का दो होता है खाली मैगजीन, एसएलआर का 4.4 खाली मैगजीन, 5.1 भरी मैगजीन के साथ। इंसास का खाली मैगजीन 3.69, भरी मैगजीन 4.1। जब पूछेगा खाली मैगजीन तो 3.69, पूछेगा खाली मैगजीन तो 4.4 होगा, नहीं तो पूरा लिखेंगे ठीक है। पुष्पेंद्र, सुनील, फौजी ऑफिसियल, तोपो, अंकुश, माखन चोर, गुरजोश, अस्प्रीत, इनायत, पीयूष, स्नेह, ठीक है सब लोग सही जा रहे। अपर्णा बढ़िया, इजी है। एसआर में कितने खांचे, यानी खांचे मतलब ग्रुप्स होता है, 6 खांचे होता है ठीक है, जो कि इसमें होता है। राइफल है तो राइफल का बैरल ना, बैरल में होते ग्रुप्स, 6 खांचे होते ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 इंच मोटर का अधिकतम रेंज कितना गज होता है, 500, 300, 400 या 525? लो आपके टॉपर आ गए रिजू वारसी। हाँ जय हिंद रिजू, कैसा है ये रिजू? 50 ईपी पढ़ रहा हूं ना, पूरे ग्रुप में टॉप किया था। सी का रिजल्ट आने से पहले इस बंदे को ग्रुप कमांडर आकर ट्रॉफी देकर चले गए, तो आप समझ सकते हो बंदे में कितना दम था, टॉप किया था ग्रुप में पूरा, मतलब ग्रुप में 7, 10, 9 बटालियन होते। आपके ग्रुप में कितना है रिजू? मासूम, निदा, विजय, जिया पांडे, गुरजोश, आलोक बढ़ गया, सारा आंसर गलत है तुम्हारा। अभिषेक, पीयूष, क्षत्रिय, गुरजोश, कंचन, रूबी, ठीक है रूबी आंसर बता, 5 लिखती है। बसंती, रूही, पठान, ठीक है रंजीत। 2 इंच मोटर का मैक्सिमम 525 गज, तो डी वाले सही बाकी सब गलत। 5.56 mm इंसास कितने बड़े भागों में खोला जाता है, 12, 2, 4 या 5? 9 ग्रुप हैं, 9 बटालियन है रिजू के ग्रुप में, जिस बटालियन में उसका जिस ग्रुप में बटालियन आता है 50 यूपी पढ़ रहा हूं ना, तो 9 ग्रुप में ये बंदा टॉप किया। आप लोग समझ रहे हैं, रिजल्ट आने से पहले इनको ट्रॉफी भी मिल गया और एक्सीलेंस सर्टिफिकेट भी मिल गया। इसका मैं किसी दिन दिखाऊंगा ठीक है क्लास में, हाउ टू गो डिग्रेड वाले में, इसका मैं फोटो और वीडियो एक्सीलेंस सर्टिफिकेट साथ में दिखाऊंगा, और ग्रुप कमांडर जो ट्रॉफी दे रहे उसके साथ भी फोटो है ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर का। तो आप लोग भी ऐसा करें, 5 बड़े भागों में मोहम्मद जाहिर पढ़ के आइए, 5 में खुलता है एलएमयू ठीक है, तो कुछ पढ़ो, 4 में खुलता है 0.22। बहुत लोग डी लिख रहे हैं। मिथिलेश, सचिन, रघु, अर्चिता गलत, सचिन आप लोग ठीक है, ए वाले से ही बाकी सब गलत हो। इंसास रिफल 12 बड़े भागों में खुलता है ठीक है, ए होगा। संगीन के साथ 7.62 mm एसएलआर की लंबाई कितनी है, 1130 mm, 1000 mm, 1300 या 1397? देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना,
कम टाइम जितना ज्यादा हम लोग पढ़ ले, तो एक क्वेश्चन पे पांच लोग का नाम आएगा बस, 20 बंदों का नाम लेंगे, मतलब हम आप लोग का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी वेस्ट कर रहे हैं, और टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है। गुड़जोश, रफ्तार होना चाहिए। एसीओ मोनी राहुल, बढ़िया, हाँ सभी को जय हिंद। एसएलआर की लंबाई पूछा संगीन, मतलब बैनट जो चाकू होता है ना, चाकू जो होता है उसके साथ पूछा है। एसएलआर की लंबाई कितना? आदर्श, राजेंद्र, गुड़जोश, रजनीश, बाकी लोग हर्षिता, अंकुश, रिंकी, ठीक है। नेहा बेटा जी पढ़ के आइए, गलत है आपका, 1397 में, ठीक है, तो डी होगा, डी वाले टाइगर हो, बाकी लोग गलत। 7.62 mm। एलएमजी का प्रभावी रेंज कितना है? 100 गज, 400 मीटर, 300 गज या 500 मीटर? अगर ये एलएमजी है तो कितने दूर तक, मतलब आदमी को मारेंगे इससे, शूट करेंगे तो टपक जाएगा, मतलब सीधा ऊपर। प्रभावी रेंज मतलब मारक क्षमता, कारगर रेंज, वहां तक उसका टाटा फीस हो जाएगा। कितना है? अरे आशीष जाट गलत, कपिल मालन गलत, एट का क्या होगा बबुआ? आलोक एस, तू यार सारा आंसर ही गलत बताता है, 500 गज लिख रहा है तू, कोई क्वेश्चन तो सही बता। शिव प्रताप, धीरू, सुदेश, गुड़जोश, मैं हो विजय, 300 गज होता है। एसएलआर का कितना होता है? 300 गज लिख रहा, देख रहे हो, हाँ इधर टेस्ट होता है। रूही, अस्प्रीत, संतोषी, गुड़जोश, आखिर साथ तो मोनी ध्यान रखिए, मिस्टर सूर्या, सोनू, कंचन, हिमांशी, प्रियंका, ठीक है आप लोग विजय। एलएमजी का कारगर रेंज 500 मीटर होता है ना, तो डी होगा, ठीक है। 7.62 mm। एसएलआर का प्रभावी रेंज कितना है? 100 गज, 400 मीटर, 300 गज या 500 मीटर? अगर ये एसएलआर है, वैसे ही AK-47 है, ठीक है, AK-47 का मॉडल है, रियल नहीं है, खिलौना है। अगर ये एसएलआर है तो कितना दूर तक आदमी कोई है, मतलब धुआं धुआं कर देगा। जल्दी क्वेश्चन बनाए इनका विनर टॉप 5। समाजवादी गलत, हनुमान जी, हनुमान जी का चेला, पूरा लिखना है 500 मीटर, ठीक है, ठीक है आपका। प्रमोद गलत, जाहिर गलत, हाँ तो नीरज शर्मा पढ़िए बढ़िया से। यशुओ माधव, कोमल, धीरू, सित्तू, रेखा और ऑफिशियल, ये लोग टॉप 5 में, बाकी लोग काफी लेट हो, टॉप 5 में आंसर देना, ठीक है, तभी आपका नाम आएगा। 300 का जो था एसएलआर का, सिंपल है, सी होगा। 5.56 mm। इंसास रिफल का प्रभावी रेंज कितना? 100 गज, 400 मीटर, 300 या 500? देख रहे हो ना, सारे राइफल ऑप्शन एक ही है, तो 500 मीटर हो गया एलएमजी का, ये तो होगा नहीं, डी। 300 गज हो गया एसएलआर का, ये तो होगा नहीं, बच गए दो। इन दोनों में से इंसास का कौन सा होगा, इसी ध्यान रखना, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो दिमाग को इस्तेमाल करना सही से, मतलब ध्यान देना है। इदू को तो होगा नहीं, क्योंकि एसएलआर और एलएमजी का हो गया, दोनों में से कौन होगा? गुड़जोश, विशाल, विमलेश, स्टेटस किंग, बढ़िया, नेहा राठौर, फिर से सी लिख रही है, मतलब इंसास, एसएलआर, एलएमजी, 0.22, पुटियागंज, सब तुम्हारा, 300 गज होगा। राजेंद्र ठीक है, और बाकी लोग, ललिता गलत, अभिषेक दुबे, आलोक ठीक है, सुधीर, अरे 400 मीटर होता है ना इंसास का, तो बी वाले सही है। एलएमजी का बाइपॉड पर कारगर रेंज कितना होता है? 2000 गज, 500 गज, 1000 गज या 300 गज? ध्यान देंगे, इफेक्टिव रेंज ऑफ एलएमजी ऑन बाइपॉड, एक पूछता है ट्राइपॉड का, ठीक है, अब ये बाइपॉड, तो ध्यान रखिएगा कितना फास्ट। गुड़जोश, अरे भैया टाइगर कौन है, टॉपर कौन है, टॉप 5 विनर, पूरा धुआं धुआं होना चाहिए, अभी इतना टाइम लगता है, अभी तक आंसर नहीं आया। गुड़जोश, कोई 11 का बी लिख रहा, कोई सी लिख रहा, कोई ये लिख रहा, अरे 7 बजे क्लास में मैंने आपको बोला था ना कि अभी जाइएगा, ऐप ओपन कीजिएगा और इन्फेंट्री वेपन्स पढ़ के आइएगा, आप लोग तो पढ़ के आए नहीं, ए बी सी चारों ऑप्शन बता दिया गधा लोग, हीरो वही है जो सी लिखा है, ठीक है, बाइपॉड पर एलएमजी का कारगर रेंज 1000 गज, तो सी वाले टाइगर हो, बाकी गधा लोग पढ़ क्या करो ना। शिवम, हाँ ठीक है, सी वाले आप लोग टाइगर है, बेस्ट है। ए
एसएलआर में कितने खांचे होते हैं? 8, 6, 2 या 4? मेरे शैलेश 500 लिखता है, पढ़ गया? समाजवादी कौन ऐप है बेटा? कल भी तो बताया था ना, अभी स्टार्टिंग में ही बताया। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो तेजस एनसीसी आर्मी, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से ऐप है। और बाकी अपने दोस्तों को भी बता देना, ठीक है, सभी लोग अपने बटालियन में, ताकि सब लोग अच्छे से पढ़े फ्री में। सारे डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ऐप जब यूज करना ना, जब पढ़ना, तो डाटा ऑन रखना, ठीक है, ताकि आपको सारे डाटा ऐसे अच्छे से दिखा। गुड जोश कन्हैया का आज बर्थडे है, कन्हैया हैप्पी बर्थडे, आपके मतलब बर्थडे मनाने आते हैं, तो अच्छे से पढ़िए और पूरा आग लगाइए, ठीक है। क्या होगा? रंजीत कार्तिक ललिता इनोसेंट, ठीक है, सभी लोग 6 खाचे होते हैं, यानी 6 ग्रुप्स भी होगा। एलएम जी की भरी मैगजीन का वजन कितना केजी होता है? 1, ध्यान देंगे, भरी मैगजीन का पूछा है, ऑप्शन आपके सामने है। अगर ये एलएम जी है, इसकी मैगजीन फुल लोडेड है, मतलब इसमें 30 राउंड है, तो इस मैगजीन का वेट कितना होगा जब ये फुल लोडेड हो? बंदूक का नहीं, केवल मैगजीन का, लोडेड मैगजीन का पूछा है। चले जल्दी, गुड जोश, अरे कौन है भैया हीरो? नो टाइम वेस्ट, तेजस चैनल पर टाइम वेस्ट कभी नहीं हो सकता, ठीक है, और वही चीज पढ़ते जो एग्जाम में आएगा। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आज मैंने रेडी कर लिए और सब बता दूंगा, उसमें काफी खतरनाक क्वेश्चन जो एग्जाम में पक्का पूछता है, वो हेडक्वार्टर से इशू किया गया, वैसे नहीं मिलता, ठीक है, मिल गया तो आपको बता देंगे। गुड जोश कहा होगा बबुआ, बताइएगा। राम प्रवेश रिंकी छत्री है, ठीक है, रिया गलत, पढ़ के नहीं आती। सक्षम वीरभूमि, ठीक है, अजीत गलत। अभिषेक प्रमोद किंग निक, आप लोग ठीक हो। आदर्श गलत। एलएमजी का फुल फिल्ड मैगजीन का वजन 1.106 के जी, ठीक है, तो ए वाले सही है। 7.62 एमएम एसएलआर का रेट ऑफ फायर कितना राउंड पर मिनट होता है, मतलब नॉर्मल और रैपिड दोनों पूछ रहा, 30 से 60, 20 से 60, 40 से 60 या 60 से 150? एसएलआर है, ध्यान रखिएगा, कितना? पायल तिवारी, चलिए आंसर बताए सभी को। जय हिंद। पूजा आलोक गलत। सुधीर गुड़जोश। महेंद्र गलत। आर्मी AK-47 गुड़जोश। अब आप लोग पढ़ के ही नहीं, मतलब 10 मिनट भी नहीं पढ़ सकते। अरे शाम में तो बोला था ना 7 बजे वाली क्लास में, ये भी 10 मिनट पढ़ के आना, कमाल है आप लोग। जल्दी क्या होगा? ओमवीर कितना? पिंटू रूबी प्रियंका रंजीत शशि रंजन गुड़जोश अंकुश नीलम बढ़िया अमित क्रेजी राम प्रवेश स्नेह आशीष मासूम ठीक है रघु बढ़िया रघु भाई ठीक है। इससे का रेट ऑफ फायर नॉर्मल 20 राउंड पर मिनट और रैपिड 60 राउंड पर मिनट, ठीक है, तो बी होगा 2260। नेक्स्ट, एटीजीएम का फुल फॉर्म एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिशन, एनी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर एंटी टैब गाइडेड मिसाइल। फास्ट सचिन अखिलेश रावत को ढूंढ रहा, अरे विशाल यादव वो सब नहीं चलता यार, तो सही जगह पे आ गया। एक बार आंसर बता, ठीक है, एक आदमी एक बार बताइए, नहीं तो फिर आपको टाइम आउट देना पड़ेगा। ललिता आशीष ठीक है, अनुज महो बेटा जी बी होगा, अनुज ठीक है, एंटी टैंक बी कौन लिख रहा 15 का? टॉप 5 फिलर कौन है? मासूम, तो लास्ट में तो बताया था 12 भी होगा ना। अजय हिमांशु गुड़जोश शिव माधव शीतु विशाल बॉट इनायत बढ़िया जल्दी विकास गुजरा ठीक है रंजीत रिया ठीक है सब लोग सही जा रहे। सूर्यमान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिंपल है ठीक है ए होगा, ए वाले परफेक्ट, बाकी सब गलत। एसएलआर का वजन कितना होता है? 5.1 केजी, 4.1, 3.6 यानी या 4.4? 200 का 200 परफेक्ट आंसर आना चाहिए। इसका आंसर मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, 5-6 क्वेश्चन पहले इंसास का जो वेट पूछा। एसएलआर का वजन, इसमें कुछ लिखा नहीं कि खाली मैगजीन या भरी मैगजीन, मतलब पूरा एसएलआर लोडेड है, 20 राउंड इसमें है ठीक है, तब इसका वेट बताना, खुद से समझ लेना कि लोडेड मैगजीन के साथ पूछ रहा ठीक है। जल्दी क्या होगा?
पीयूष बढ़िया, कोहली, दीपराज, कंचन, निशा, ठीक है, बाकी लोग जल्दी से। पूनम, रेखा, अस्प्रीत, गुरजोश, लवकुश, गीता, निवृत्ति, अजय, विशाल, हनुमान जी, ठीक है, आकाश गलत, हिमांशु ठीक है, पुष्पेंद्र गलत, सुदेश ठीक है, आप लोग, रामलाल बढ़िया। अरे भैया SLR का वजन थोड़ी देर पहले तो बताया था ना कि 5.1 के जी होता है लोडेड, खाली मैगजीन 4.4 होता है, तो कम से कम क्लास में तो ध्यान रखो। ए वाले परफेक्ट है, बाकी सब गलत। एनसीसी कैडेट्स को कितने पोजीशन से फायरिंग कराते हैं? 2, 3, 4 या 5? बीरन, हाँ जय हिंद। अब इसका आंसर जो लोग नहीं बताएंगे आपको पनिशमेंट मिलेगा। लूली, निक्स, ठीक है, ये कौन है भाई? रघु नवासी, बेटा एक बार आंसर बता, ठीक है, बाकी लोग भी हैं, तू 10 बार लिखता है। मतलब केवल आप ही का आंसर है, बाकी लोग का नहीं देखो, मेरे सबको अल्फा सभी का आना है ना, तो मतलब नाम आपको मैं गाइडलाइन देखता हूं कौन सही गलत है, उसको गाइडलाइन देता हूं। आप 10 बार बताते हो कितना पोजीशन से। रंजीत यादव पढ़ के आइए ना, 4 पोजीशन, कभी तो पढ़ के, सारे आंसर गलत बताता है। बीरन, अनु काजल, ठीक है, पुष्पेंद्र गलत है, सारे गलत बता रहे हो, और बाकी रिंकी गलत, 5 पोजीशन लिख रही है। अरे भैया रिंकी, किसी भी राइफल के 4 ही फायरिंग पोजीशन है, तुम 5वां कहां से ला दी? नया डिस्कवर कर रही हो, एक तो पढ़ के नहीं है, दूसरा बना रहे यहीं पे। सुधीर और बाकी लोग, हाँ तो माधव, अरे नहीं नहीं लिखा, मतलब लोडेड पूछ रहा, 5.1, ठीक है। पंकज, प्रांसी, ठीक है, आशीष गलत, सुधीर, अनिल, रॉकिंग विनीत बढ़िया, आप लोग ठीक है, निक, अरे 3 पोजीशन, एनसीसी क्रेडिट को 3 ही पोजीशन से फायरिंग कराते, सिटिंग पोजीशन से एनसीसी क्रेडिट को नहीं कराते, 1-3, ठीक है, तो बी होगा। एसएलआर की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 5, 10, 20 या 30? ये एसएलआर की मैगजीन है, तो इस मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी बतानी है। चलिए जल्दी, उमा परफेक्ट, बैठकर नहीं होता, उमा बैठकर फायरिंग नहीं होता, ठीक है, एनसीसी क्रेडिट्स को। दीप नारायण गलत है, क्या होगा जल्दी से, टॉप 5 विनर कौन होगा एसएलआर की मैगजीन में कितने राउंड? कोमल, ये देखो एक नाम लिखा है, स्नाइपर, गॉड इफेक्ट, 4 पोजीशन गलत है स्नाइपर। कोमल, सीतू, धीरू, हिमांशी, इनायत और राहुल टॉप 5 में, आरसी म्यूजिक गलत है, तू 10 राउंड लिख रहा, पुटपुटिया गन है, रिवॉल्वर है, आप पिस्टल लेके 10 राउंड हटेगा, पढ़ क्या, एसएलआर की 20 राउंड होता है, ठीक है, सी वाले परफेक्ट है, बाकी सब गलत। अरे महेश पढ़ क्या, बी लिखता है, एसएलआर और इंसास का दोनों का 20 होता है, ठीक है, मैगजीन कैपेसिटी। इंसास राइफल का रेट ऑफ फायर कितना राउंड प्रति मिनट? 30 से 60, 20 से 60, 40 से 60 या 60 से 150? जल्दी से सभी लोग, क्वीन, हाँ जय हिंद, भानु लोडी बढ़िया, सराज हमारे एसयू का बर्थडे है, मासूम के एसयू हैप्पी बर्थडे, बढ़िया, हाँ ठीक है, जल्दी सभी लोग। अखिलेश आप क्लास में है तो मैसेज कीजिए, आपका सचिन बोल रहा दोस्त, अरे आपके मित्र बुला रहे, काहे नाराज हो जाते हो मित्र से, दोस्ती तो होता है दोस्त, लेकिन अच्छा दोस्त बनाइए, ठीक है, वो गद्दार वाले नहीं। राहुल, सचिन, विशाल, गुरजोश, पीयूष, विजय परफेक्ट, स्नाइपर नहीं मालूम, पढ़ के आना, ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा मैक्सिमम क्वेश्चन, आप लोग प्ले स्टोर से क्लास के बाद ऐप डाउनलोड करेंगे, तेजस एनसीसी आर्मी सर्च करना प्ले स्टोर पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहां से पढ़ के आना। आलोक ठीक है, रॉकिंग भाई, रघु गलत, अरे इंसास है, इंसास का नॉर्मल होता है 60, जो कि एसएलआर का रैपिड होता है, इंसास का नॉर्मल एसएलआर का रैपिड, तो रिलेट करके याद करो, 60 से 150, ठीक है, नॉर्मल 60, रैपिड 150, तो डी होगा। एलएमजी का फुल फॉर्म ऑफ एलएमजी, चलिए जल्दी, आशीष गलत, एलएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है? शालिनी गलत, फास्ट
जल्दी, ठीक है, जो लोग नए हो या फिर जो लोग अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए, क्लास के बाद प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, जिस नाम से चैनल है तेजस एनसीसी आर्मी, सर्च करना वहां मिलेगा, ठीक है, और पढ़िएगा। और जिनको इंग्लिश में डाटा चाहिए, इंग्लिश में सारा टॉपिक वाइज कर दिएगा अपलोड, आप ऐप को अपडेट कर लेंगे, ठीक है, इंग्लिश वाले टॉपिक वाइज सारे कर दिएगा, 18 टॉपिक ऐप को अपडेट कर लेना, तभी आपको मिलेगा सारे, ठीक है। गुड जोश, तोपो मनोज, निक्स प्रथम, कौशल, कीर्ति, कन्हैया, ठीक है, निगम, ये सिंपल है, लाइट मशीन गन यानी ऑप्शन सी होगा, सब लोग सही है। इंसास राइफल से कितने प्रकार का एम्यूनेशन यानी राउंड फायर किया जाता है, 2, 3, 4 या 5, मैं पोजीशन नहीं प्रकार है, ठीक है, कितने प्रकार से पूछा, कितने प्रकार का एम्यूनेशन फायर करते यानी राउंड। जल्दी सर, अपनी दुआ से इस बार 26 जनवरी में परेड में करूंगा। विशाल गुरजोश, सूर्यवान कॉरेक्ट, अरे एक आदमी एक बार आंसर बताइए, सुधीर स्नाइपर गुरजोश, फास्ट टाइगर कौन है, विनर कोहली इनायत और वीरभूमि कमल, ठीक है, फिरोज, ऐसे नहीं हो पाएगा, वो तीन लिख रहा, तीन प्रकार नहीं, गलत, शिव प्रताप, राजू, जयश्री, विशाल, ठीक है, रंजीत, धीरू, गलत, मासूम, ठीक है, ये कौशल, ऐसे कौशल होता है, चार प्रकार से, ठीक है, अरे बॉल, ब्लैक, बैलेस्टिक और ट्रेसर, भूल गए, याद रखो ना, सी होगा, ठीक है। एलएमजी की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं, 5, 10, 20 या 30, ये अपना एलएमजी, इसकी मैगजीन में कितने राउंड लोड हो सकते हैं मैक्सिमम, मतलब इस मैगजीन की कैपेसिटी बतानी है, जल्दी से सभी लोग, फास्ट, कमल सी आंसर बताइए, विनीत गलत, विशाल यादव गुडजोश, अरे आलोक एक बार बता, करण गलत, एक आदमी एक बार आंसर बताइए, ठीक है, नहीं तो फिर आपको टाइम आउट और फिर बाद में ब्लॉक करना पड़ेगा। कमल सर चाय पी लो, अरे चाय अभी नहीं, क्लास के बाद पियेंगे ना। नीतीश, निशा यादव बढ़िया, विवेक, विवेक कुमार बेटा एलएमजी है, गलत है, 20 राउंड, 20 वाले गलत हो राहुल, ठीक है, निशा गलत, रामलाल, वीरभूमि, कमल, कंचन, गुरजोश, आकाश गलत, मासूम फौजी का प्रमोशन हो गया, सार्जेंट से एसयूओ बन गए, इन पहले अंडर ऑफिसर बनना था ना, ठीक है, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, अपने जो लोग सीनियर है स्पेशली अपने बटालियन के सारे बंदों को बता देंगे ऐप डाउनलोड करके पढ़े, ठीक है, और उनको सही गाइडलाइन देना, शो ऑफ नहीं करना। डी होगा 30 राउंड, एलएमजी और एसटीएन गन का मैगजीन क्षमता 30, एसएलआर और इंसास दोनों का 20, तो रिलेट करके याद रखो, ठीक है, डी वाले सही है। एसएलआर का फुल फॉर्म, फास्ट अंकुश, हाँ ठीक है, समझ रहे ना आप लोग, देखो मैं आपको इसलिए रिलेट अपना तरीका बताता हूं, आप लोग खुद का तो तरीका अपनाते नहीं हो, तो मैंने ऐसे याद किया था, रिलेट करके एसएलआर और इंसास दोनों का मैगजीन क्षमता 20 राउंड, और एलएमजी और एसटीएन गन एसएमसी एसटीएन मशीन करवाएं 30 राउंड, ठीक है, तो ऐसे आपको भूलेंगे नहीं कभी। जल्दी एसएलआर का फुल फॉर्म, टॉप 5 विनर कौन है भैया, ललिता, ठीक है, उसका राजू, नहीं भर्ती का क्लास दूसरे चैनल पे होती है, आर्मी लवर तेजस पे सुबह 8:30 बजे। कौन है टॉप 5 में, सित्तू, सचिन, धीरू, सचिन, दीपराज और कोहली, ये लोग टॉप 5 में। रेखा ठाकुर, आप क्वेश्चन में नहीं लिखोगे आपका नाम नहीं आएगा, मैं भी तुम 22 का बता रही हो, तो क्वेश्चन में लिखकर बताइए, ठीक है, सभी लोग सही जा रहे, बी होगा सेल्फ लोडिंग राइफल। रूही, सुधीर, मेघन, भानु लोडी, आकाश, सब लोग ठीक है, बी होगा। इंसास राइफल की मैगजीन में कितने राउंड, 5, 10, 20 या 30, अभी सबका सही होना चाहिए, 211 कमेंट एक सेकंड में, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया इंसास का कितना होता है मैगजीन क्षमता। जल्दी कमल, इंग्लिश में टॉपिक वाइज सारे हो गए और एक मॉडल पेपर, बाकी सारे कर दूंगा, ठीक है, जल्दी से, मतलब 4-5 दिनों में कर दूंगा सारे मॉडल पेपर, ठीक है, 15 इंग्लिश में भी, तो टॉपिक वाइज जब पढ़िए अपडेट कर लेना। गुरजोश, अनुमदा, ये भी गधा 30 लिख रहा, अरे बेवकूफ, थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि एसएलआर और इंसास का सेम होता है 20 राउंड, एलएमजी और एसटीएन का 30 राउंड, तो अभी भी इंसास का तुम 30 राउंड लिख रहे हो कुछ लोग।
बाकी सब लोग ठीक है, गुड जॉब। सी होगा 20 राउंड, ठीक है। एसएलआर का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट, 20, 5, 60 या 10 से 15। नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ 7.62 एसएलआर। देखिए बाबू सुना करेंगे ना तो जो भी हो भी खत्म, तो पढ़ के आप गलत करेंगे फिर आपको डांट सुनना पड़ेगा। ऑफलाइन होता तो पनिशमेंट भी देते, यहां पे क्या पनिशमेंट आपको दे सकते हैं, आपका मन करता है पढ़ते नहीं करता नहीं पढ़ते, लॉस आपका और आपकी फैमिली का होता है और कहीं ना कहीं आपके साथ हमारा भी मेहनत लॉस होता है, तो थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है। गुड जॉश। मोनू सेम क्लास चलती है, 25 का प्रेम दीवाना एकदम टाइगर हो आप, रूबी अभिषेक उमा, गुड जॉश। कमल सिंह बेटा नॉर्मल पूछा है, साधारण 60 उसका रैपिड होता है, ठीक है, तो कूट देंगे समझो, नहीं तो 20 राउंड वाले परफेक्ट है ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट आर एल का फुल फॉर्म क्या होता है, कन्हैया विशाल गलत कन्हैया, ठीक है। अरे कमल पढ़ के आना है अभी, गुड जोश फास्ट सभी लोग। माधव आरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, 2 सेकंड में आंसर। एनए की भर्ती ये क्या होता है, नर्सिंग असिस्टेंट। निक्स आकाश ठीक है, सित्तू गलत है, नहीं सित्तू ठीक है, बाकी सब गलत जा रहे हो। सित्तू कोमल कोहली और अनुज हिमांशी जयश्री राहुल ये लोग परफेक्ट जा रहे हैं, विशाल हिमांशु ठीक है, रणवीर रघुवीर देख रहे हैं, बाकी सब ए लिख रहा। स्पेलिंग ध्यान दो फुल फॉर्म में, रॉकर है रॉकर, यहां पे लास्ट में आ रहे रॉकेट होता है ना तो रॉकर लिख रहे हो, बी वाले टाइगर है, बाकी सब गलत बी होगा। थल सेना की सबसे छोटी इकाई क्या है, मतलब आर्मी की सबसे छोटा यूनिट, प्लाटून बटालियन रेजिमेंट या सेक्शन। चले जल्दी क्लास थोड़ा फास्ट कीजिए आप लोग अभी, ठीक है। क्लास हमारी कब तक चलेगी, अभी हमारे पास 30 मिनट टाइम है, ठीक है, 9:10 क्लास पूरा करके ही छोड़ेंगे, ठीक। थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्पीड हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 57 क्वेश्चन था ना, 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट अभी टाइम है, जल्दी। गुड जोश। रंजीत बुआटा बढ़िया, अरे विजय पढ़ के आदिल राजा करेक्ट, प्रांसी ठीक है, आशीष 27 का बताइए, पूनम अभिषेक ठीक है, ओमवीर पढ़ के आ, रेखा ठाकुर गुड जोश, ऐसे क्वेश्चन में लिखे माया गलत। आर्मी की सबसे छोटी इकाई सेक्शन होता है ना जिसमें 10 जवान होते हैं, तो डी होगा। कुछ लोग प्लाटून लिख रहे हैं, भैया प्लाटून बड़ा होता है, प्लाटून में 3 सेक्शन होता है एक प्लाटून में, तो सोच लो 30 जवान और सेक्शन में 10 एक होता है तो सेक्शन होगा ना, डी होगा ठीक है। एलएमजी का भार कितना होता है, 9 kg, 9 kg 200 ग्राम, 5.1 kg या 7 kg 200 ग्राम। अगर ये एलएमजी है फुली लोडेड तो इसका वेट कितना होता है, जल्दी वेट ऑफ एलएमजी व्हीकल्स, बढ़िया। हाँ सूर्यवंशी आंसर बताइए, आप ही का तो देख रहा, 28 का क्या होगा, टाइम वेस्ट नहीं बचा लो, टाइम वेस्ट आधा सेकंड भी नहीं, पूरा एकदम रफ्तार में, ठीक है बढ़िया। शशि रंजन और मुन्ना सिंह गुरजोश आ जाए ठीक है। खुशबू अरे 5.1 kg अभी थोड़ी देर पहले एसएलआर का पढ़ी थी ना, तू एलएमजी का लिख रही हो, एलएमजी का तो खाली मैगजीनवा का वेट 1.106 पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, मैगजीन अगर लोडेड हो तो एलएमजी का 5.1 लिख रही, कहां ध्यान है। स्नाइपर गलत है, गदा निक्स गलत, शिवम रघु चांदनी ठीक है, राजेंद्र विनीत बढ़िया आप लोग, मोनू गलत, अरे भैया एलएमजी है 9 kg 200 ग्राम, बी वाले परफेक्ट है बाकी सब गलत। इंसास राइफल का साइट रेडियस कितना होता है, 5.56 mm, 135 mm, 7.62 mm या फिर 235 mm। साइट रेडियस समझते हैं ना, साइट रेडियस साइट पिक्चर और साइट एलिमेंट पढ़े ना, तो साइट रेडियस मुझे लगता है साइट पिक्चर जो होता है ना, साइट एलिमेंट इसका जो ये होता है ना रेडियस, इसको बोलते हैं। अपर्चर होल के बीचों बीच फोर साइड टिप के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको शायद साइड रेडियस बोलते हैं, ठीक है जहां तक। तो कितना होता है जल्दी से, अरे बढ़िया आर्यन काहे रो रहा है, आंसर बताओ, जय हिंद।
अरे बढ़िया, चीटिंग मारते हो क्या आप लोग? नंदनी तुलसी ठीक है, राजू गलत, आकाश आशिक फौज का गुरजोश, रेखा अनुकाजा ठीक है, रघु गलत, सदाब साहबुद्दीन, वीरभूमि संगम संगम गलत, वीरभूमि ठीक है, इंसास का साइड रेडियस 235 mm ठीक है, 235 mm तो डी होगा। एलएमजी को कितने भागों में खोलते भैया? 2, 5, 8 या 3, बच्चा वाला क्वेश्चन है। और ए सर्टिफिकेट वाला आपका सिलेबस काफी टफ हो गया आपका भी, 20 का तो हो ही गया है, अभी 2023 का मुझे मॉडल पेपर मिला है, उसका आंसर बना के बता दूंगा ठीक है, 2-3 दिनों में यूट्यूब अपलोड कर दूंगा, उसमें सब एलएमजी इंसास सब पूछ रहा है। अरे ये वालों की सब कहां समझ में आएगा, उनको कभी पढ़ाते नहीं, उनका सिलेबस में है नहीं। इन्फेंट्री के सपोर्टिंग वेपन, फाइटिंग वेपन सब पूछ रहा। अरे गुरजोश पूरा धुआं धुआं होना चाहिए भाई, बढ़िया, ये होता है ना टीम, अभी लग रहा है कि तेजस के बंदे हैं, रफ्तार पूरा तेज और परफेक्शन के साथ ठीक है सभी का। एलएमजी 5 भागों में, बैरल बाईपार्ट बॉडी और पिस्टन और बट ठीक है, तो याद रखना 5 ठीक है, बी है। इंसास राइफल का कैलिबर कितना है? कैलिबर मतलब कुत्तर, जल्दी सभी लोग, नाम यह है, तो मैंने आपको बताया था ना इसका जो नाम होता है उसके नाम के पहले जितना होता है वही किसी भी राइफल का कैलिबर, किसी भी राइफल का कैलिबर उसके नाम के पहले का नंबर और मेजरमेंट यूनिट होता है, तो कितना इंसास राइफल का कैलिबर कितना है जल्दी, क्वेश्चन नंबर 31 टाइमस नहीं, टॉप 5 विनर कौन है भैया? टॉप 5 में कौन है? टाइगर कौन है? टाइगर तो सब लोग हैं, लेकिन विनर सचिन, कोहली, सित्तू, हिमांशी, ओमवीर और माधव टॉप 5 में, बाकी लोग थोड़ा रफ्तार दिखाई है ठीक है। कंपटीशन गर्ल्स वर्सेज बॉयज ठीक है, बी होगा, हाँ ठीक है, बी वाले सब लोग सही है, मैं मोनू ए लिखता है गधा, बी होगा ठीक है। समझाने पर नहीं समझ में आता कि किसी भी राइफल के नाम के जो पहले होता है वही उसका कुत्ता यानी कैलिबर होता है, तो तू बी लिख, ए लिख रहा है, मार खाओगे क्या? बी होगा ठीक है। एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 3, 8, 5 या 10, इतना हार्ड क्वेश्चन आ गया, जल्दी 2 सेकंड में सभी का आंसर अब तक आ जाना चाहिए। ब्लैकदीप कितना लेट करता है? राजेंद्र जल्दी, रूसुम, सुधीर सब लोग जल्दी से, अमन हाँ शायद ऑब्जेक्टिव भी होगा, बटालियन से कॉन्टेक्ट कीजिए, दीपक ब्राह्मण हाँ, आदर्श आंसर बताए सभी लोग। हाउ मेनी सोल्जर सीना सेक्शन ऑफ इन्फेंट्री? अरे बच्चा वाला क्वेश्चन है, मैं इसमें किसी का नाम नहीं है, इतना हार्ड क्वेश्चन है। विनायत खान कमल ठीक है सभी लोग, 10 जवान होते, डी होगा। ऑला टाइगर 7.62 mm, एलएमजी राइफल का, अरे यार साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट? 20, 150, 60 या 5। आज भी मैं लैपटॉप का चार्जर ऑन करना भूल गया, ये ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाता है कभी भी, तो अभी नहीं हुआ, क्लास टाइम में नहीं होता है, सुकून मिलता है, नहीं तो फिर नेटवर्क इशू हो जाएगा ना। 33 के कौन है विनर? ओ आर के यादव बेटा, एलएमजी है, अरे एलएमजी है एलएमजी, अरे इसमें तो ऑप्शन ही इसका नहीं है, इसका ऑप्शन छूट गया, एलएमजी का आपको मैंने सी बता रखा है, इसका एक ऑब्जेक्टिव में 28 दिया ठीक है, ध्यान दीजिएगा बुक में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव मिला ना हेडक्वार्टर से, इसका ठीक ऑप्शन इसका गलत है। एलएमजी का नॉर्मल रेट ऑफ फायर 28 राउंड, याद रखिएगा 28 राउंड पर मिनट, मैंने आपको शायद 84 राउंड बताया था ना, 28 राउंड याद रखना, 28 राउंड पर मिनट एलएमजी का ठीक है, ध्यान रखिएगा 28 राउंड, ये गलत है ठीक है। नेक्स्ट, एक इन्फेंट्री प्लाटून में कितना सेक्शन होता है? 3, 8, 5 या 10। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सेना की सबसे छोटी इकाई, उसमें समझाया था कि एक प्लाटून में कितने सेक्शन, जल्दी गुरजोश सभी लोग, बेटा आर्मी लवर समझ नहीं है क्या तुम्हें? बटालियन से कॉन्टेक्ट करो, कॉपी पेस्ट कर रहा कबा, फास्ट जल्दी, हाउ मेनी सेक्शन इन अ प्लाटून? गुरजोश, महेश क्षत्रिय, शिव प्रताप संतोषी और पीयूष गीता कुंतल ठीक है, हिमांशु गुरजोश, जयश्री आदिल विशाल ठीक है, एसयू माधव आप पढ़ क्या ना, क्लास में तो तुम्हारा ध्यान नहीं गधा, अभी तो बताया था ना कि एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं, मतलब 30 जवान हो गए, तो अजीब हाल है। ए वाले सही है, 3 सेक्शन ठीक है।
84 RL का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट? 60, 150, 20 या 6। मतलब नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ 84 में मारेल। सौरभ क्वेश्चन में लिखकर बता विनीत, आदर्श फुल फॉर्म कहां पूछा तुमसे? ललिता अभी 32 में अपडेट करो। अरे हिमांशी 28 नहीं लिखना, वो ज्ञान अपने पास रखना, ठीक है? 30 होते 28 फिलअप करते, वो सब ज्ञान अपने पास रखिए, एग्जाम में 30 लिखिएगा मैगजीन कैपेसिटी, ठीक है? जल्दी रामलाल अनुकाजल, ठीक है? माया गलत, सुदेश तोपो मनोज, ठीक है? राजेंद्र अस्प्रीत मुन्ना, आकाश शिव प्रताप, ठीक है? पूनम भैया आरएल यानी रॉकेट लॉन्चर है, 6 राउंड, ठीक है? 6 राउंड पर मिनट, तो डी होगा। आरसीएल का फुल फॉर्म जल्दी, फुल फॉर्म ऑफ आरसीएल। गीता कुंतल कल से क्लास में अगर तुम बात करी तो तुमको और तुलसीदास को दोनों को ब्लॉक करूंगा, ठीक है? गधे है ये दोनों, पूरा क्लास फालतू की बातें करता है। आरसीएल का फुल फॉर्म चले जल्दी सभी लोग, फास्ट क्या होगा 36 का? मैं छोड़ देता हूं कि चलो ये सर्टिफिकेट का बच्चा नहीं, पूरा क्लास डिस्टर्ब करता है ऐसे, सब घर पे बात करो ना गधा। बढ़िया दीपक आदिल हिमांशी, ठीक है? बढ़िया रघुवंशी और बाकी लोग, शिव प्रताप शीला कोमल कंचन गुरजोश माया, अरे भैया माया आप सारे आंसर ही गलत बता रही, एक भी आंसर तुम सही अभी तक नहीं बताए, जब भी इसका देखा गलत है, गलत है, पढ़ के आइए ना क्लास के बाद, ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? प्ले स्टोर से तेजस एनसीसीआर में, और पढ़िएगा। सी होगा, डी लिखती है रियल कॉम्बैट लीग, ठीक है? हरेंद्र गलत है। नेक्स्ट एलएमजी का राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर कितना राउंड प्रति मिनट? 600 राउंड, 150, 20 या 60। अभिषेक प्रियंका, ठीक है? भगवान दास गुरजोश फास्ट, भानु रोडी गुरजोश, शिव प्रताप रजनी साठी है। अरे दोनों मतलब ये सब मतलब फालतू की बातें करते हैं, अभी बच्चा है, बेबी लोग है दोनों, वो गीता कुंतला तुलसी अगर दवा मतलब प्यार वार का खाली बात करता है क्लस में, अजीब लड़का है। चलो जल्दी, मतलब पूरा जितना उसको कहा है ना दिन का, पूरा जितना दिनचर्या किया स्कूल में कॉलेज में सब बतिया लेगा, हद है। चलो फास्ट वहीकल, अरे वहीकल पढ़ के आना है। नंदनी गलत, माया राजेंद्र, बाकी लोग मुन्ना गुरजोश कमल गलत, रिंकी ठीक है। क्वेश्चन नंबर के साथ बताइए, सलमानी निदा ठीक है, प्रियंका गलत, इसे मतलब अजीब लड़का है। नेक्स्ट ध्यान, इसका 600 रन होता है, एलएमजी का रैपिड रेट ऑफ फायर 600 रन पर मिनट, ठीक है? ये होगा। नेक्स्ट एसएलआर का मजर वेलोसिटी कितना प्रति सेकंड होता है? 2700 फीट, 1030 फीट, 900 मीटर या 1000 फीट। चलिए फास्ट विनीत संध्या ठीक है, मोना शर्मा गलत, सूर्यवंशी कॉरेट। चलो फास्ट, अरे ये मतलब हद कर देते हैं, प्रकाश आठी के रश्मि गलत। एसएलआर का मजर वेलोसिटी यानी तोपो वेग कितना? सचिन आंसर बताइए क्या होगा 38 का? उमा आर के यादव, अभिषेक ब्लैकदीप, शशि रंजन ठीक है, बाकी लोग जल्दी। माया तो डांटने के बाद सही बताने लगी, तो पढ़ के आना चाहिए ना। कोमल ठीक है, शिव प्रताप गुरजोश, मेरे प्रिंस कहा है इतना, अरे गधा तुझे ब्लॉक किया जाएगा प्रिंस। अरे माधव ये लोग बच्चे हैं ना, ठीक है? मजा यूनिवर्सिटी 2700 फीट प्रति सेकंड होता है, ठीक है? तो ये होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कैसे याद करेंगे? मजा यूनिवर्सिटी एसएलआर और एलएमजी दोनों का इतना ही होता है, तो दोनों का एक साथ याद रखो। एलएमजी का अलग होता है 0.22 का अलग, तो उनका अलग से याद रखो, ठीक है? तो एसएलआर एलएमजी का दोनों सेम, इंसास का अलग होता है और 0.22 का। नेक्स्ट इंसास का साधारण फायर रेट कितना राउंड प्रति मिनट? 20, 5, 60 या 10 से 15। चांदनी बादल, अरे बादल आज तो तू मूड में पूरा। शिवम मोनू नरेश करण प्रांसिया ठीक है सब लोग गुरजोश।
मोनू तो आप तैयारी करो, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, पढ़िए। ललिता ठीक है, चलिए जल्दी। संध्या, उमिर, दीपराज, गुड़जोश, 39 का क्या होगा? अरे भैया उमिर, दीपराज, और कौन है? सचिन, एसओ माधव, कोहली, हिमांशी, सब गलत जा रहा। मेरे तुमको एसएलआर दिख रहा है क्या? ये एसएलआर के बड़े भाई हैं, इंसास आ गए हैं अभी, अभी इंसास साहब आ गए हैं। ये एसएलआर तो ऐसे नॉर्मल है, सिपाही है, तो इनका बताइए ना, गधा है एसएलआर का बता रहा। अरे इंसास कहा था ना थोड़ी देर पहले, इसका रेट ऑफ फायर तो 60 से 150, तो 60 क्या था, 20 तो था नहीं, तो तुम लोग 20 लिख रहा सब दूसरे का देख के, तो समझ के याद करो ना। इंसास का नॉर्मल होता है 60, रैपिड 150, और एसएलआर का रैपिड होता है 60, नॉर्मल 20, तो थोड़ा पढ़िए ठीक है और समझिए। मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि जो एसएलआर का रैपिड होता है इंसास का नॉर्मल होता है, मतलब 60 होगा, तुम लोग तो 20 वाले हो, सी वाले हीरो है ठीक है, बाकी सब गधे। 1.22 राइफल का कारगर रेंज कितना गज है? 300, 500, 400 या 25। अनु का जो सर ऐप से ही हम पढ़ते हैं, गुड़जोश, मतलब सब लोग डाउनलोड करके पढ़िए ठीक है, समझाने के बाद। अरे करण कोहली पढ़ क्या, 20 राउंड फास्ट। राजकुमार, रजनीश, राम प्रवेश ठीक है, आप लोग बढ़िया, चले जल्दी बेटा। वहीकल ज्ञान, सब ज्ञान निकल जाएगा तेरा ठीक है, एक बार आंसर बता नहीं तो क्या को 40 का, जब इतना गंदा आप लोग बताते ना तो किसी का नाम लेने का मन नहीं करता, क्योंकि तुम लोग चिटिंग मार के बताते हो, एक क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं। फटी का भी सभी लोग, 0.22 का कारगर रेंज 25 गज होता है, यानी डी होगा। एलएमजी का मजर वेलोसिटी कितना प्रति सेकंड है? 2700 फीट, 1030 फीट, 900 मीटर या 1000 फीट। अब इसका आंसर जो लोग गलत बता दिए आपको भगा देंगे, कूटेंगे बहुत बुला के ठीक है, बुलाएंगे कि आइए मेरे घर पे पार्टी है, बहुत कूटेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले समझाया था इसका क्या होगा। चलिए जल्दी। सूर्यवंशी सर हम भी आपसे पढ़ते हैं, तो ऐप पर सारा डाटा दिया गया ना अच्छे से। शैलेश गौतम पढ़ के आ ठीक है, एक पर एपल आपको नहीं आता एनसीसी का, पढ़िए। महेश, इनको देखिए, महेश कुमार तलपड़े बेटा जी, अभी जस्ट दो क्वेश्चन पहले जब एसएलआर का पूछा था मजर वेलोसिटी, तो मैं अभी बताया था ना कि दोनों का इतना ही होता है, तब ये बेवकूफ सो रहे थे, नींद में थे, अभी जगे जब ये क्वेश्चन आया तो लिख रहे 10 और 30 फीट, हद है। बाकी सब लोग ठीक हो? एसएलआर और एलएमजी का दोनों का 2700 फीट होता है ठीक, 2700 फीट प्रति सेकंड, तो ऑप्शन ए वाले सही है। डिफेंस भीवर आंसर बताइए, आर्मी वाला बंदा, हाँ जय हिंद। मेरे डिफेंस व्यूअर तू क्या कर रहा है यहां पे? नेक्स्ट, एक सेक्शन में राइफल ग्रेनेड कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5, जल्दी। महेश कुमार तलपड़े, सॉरी सर, तो तब सो रहे थे, अभी दो क्वेश्चन पहले बताया था, तू नींद में था गधा, तो ध्यान रखो ना, पढ़ के भी नहीं है, क्लास में भी ध्यान नहीं है, तो टाइम वेस्ट क्यों करते हो? नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, तो फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे, जल्दी। एक सेक्शन में कितने राइफल ग्रेनेड? हाँ पार्टी ऐसे ही दूंगा। तुलसीदास, ना तू सब क्लास में बतिया ले गधा, बटे वो सब तुम व्हाट्सएप पे बात करो ना, कितने होते हैं जल्दी। संतोषी गीता, ये सब 5 लिख रहे हैं, सब नया नया, सब क्रिएटर है जो बोलते हैं ना क्रिएटर, वही से भी सब डिस्कवर, नया नया खोज करता। अब देखिए 9 बजने वाला, ये सब खाना खाने निकलेंगे, पूरा करके जाइए ना, 10 क्वेश्चन है। ओमिर ठीक है, ओमिर, प्रियंका कुशवाहा आपका 3 है, आप भी क्रिएटर हैं। बाकी लोग, अरे सी होगा ना, 4 होते ठीक है, सी वाले परफेक्ट, बाकी सब गलत। इंसास राइफल का मजर वेलोसिटी कितना होता है? 2700 फीट, 1030 फीट, 900 मीटर या 1000 फीट, जल्दी से। इंसास का मजर वेलोसिटी कितना? सभी लोग फास्ट, थोड़ा जल्दी बताओ। चांदनी गीता ठीक है, दीपक गलत, आरके यादव गलत, माया गलत, मतलब कमाल कर दो। धीरू, रघुवीर ठीक है, जय श्री गुरजोश, मतलब पढ़िए थोड़ा,
पास्ट। अरे कितना होगा मतलब तुलसी और गीता कुंतल, मतलब थोड़ा पढ़ लिया करो, क्लास में वो सब बातें करते हो आपको मतलब समझ नहीं आता कि कहां पे क्या बातें कर रहे हो, आप अपनी सारी बातें पर्सनल पूरा सोशल पे शेयर करते हो, हद है। चलो जल्दी आगे से नहीं करना ठीक है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे जो भी है ना उधर बतियाइए। पास्ट इंसास का तोप है कितना, अरे अभी तक किसी का नहीं आया, तो मजाक कर रहे क्या, जल्दी। हाँ छतरी आ रहा है ना अभी, तिवारी फिटनेस। अब देखिए कुछ लोग अभी 27 तो लिख रहे, अरे भैया अभी तो बता ना एसएलआर और एलएमजी का बस होता है उतना, इंसास में क्यों लिख रहा 2700। शशि उमा दांगी, अरे इन दोनों का होता है ना, इंसास का तो मैंने बोला था कि अलग होता है, इन दोनों का मतलब क्या है, मतलब इसमें इंसास भी है, कमाल है। अरे अब कैसे आपको समझाएं, थोड़ी देर पहले दो बार बता कि एसएलआर और एलएमजी का 2700 फीट होता है, अभी लोग इंसास का भी बता रहे कितना ही होगा, कमाल करते हो। अरे इंसास का 900 मीटर होता है ठीक है, तो सी होगा, अभी बता के अभी पूछा, अभी मुंह बना दे रहे आप लोग, पढ़ के आइए ना थोड़ा कम से कम, यहां तो ध्यान रखो 9 mm कार्बाइन मशीन गन कितने तरीके से फायर कर सकती है, 5, 4, 3 या 2। चलिए फास्ट गुरजोश, सभी लोग जल्दी से आंसर सभी का आना चाहिए। संध्या परफेक्ट, अभिनय पढ़ क्या करे जी, डिलीट करता है गलत लिख के। 9 mm का कितना होता है, कितने तरीके से फायर कर सकते हैं, 44 का राहुल सचिन ठीक है, संध्या गलत, जयश्री सुमिला आरके यादव शिव माधव निशा बबलू संतोष ठीक है, आकाश रंजीत गलत हो, पढ़ क्या 2 तरीके से ठीक है, डी होगा। एसएलआर की प्रभावी रेंज कितनी है, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया जल्दी, 2 सेकंड में सभी का सही होना चाहिए, 204 आंसर सही होना चाहिए, जल्दी से पास। इफेक्टिव रेंज ऑफ एसएलआर कितना, अरे भैया ये एसएलआर है इसका कारगर रेंज कितना है, वैसे ही 1K47 है ठीक है। आकाश सक्सेना क्वेश्चन में लिखकर बताओ क्या होगा एसएलआर का कारगर रेंज, उमा 45 का डी 25 गज, कमाल है, एसएलआर लेके घूमती है बोलती है कि 0.22 लिए हैं, देख रहे हो 25 गज लिख रही है, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था इसका 300 गज होता है, पढ़ के नहीं आती क्लास में भी ध्यान नहीं है, अरे ये होगा ना, अरे हद करते हो, ए वाले परफेक्ट हो ठीक है, बच्चा वाला क्वेश्चन में गलत हो गया। अच्छा चंद्र यहां तो बढ़िया हो जाएगा ठीक है, ये होगा 0.22 इंच राइफल के मैगजीन में भरने वाला अधिकतम कितना राउंड है, 0.22 राइफल के मैगजीन कैपेसिटी मैक्सिमम 5, 20, 10 या 15। चलो जल्दी सभी लोग, मेरे अभय लाल आपका बिगड़ जाएगा हाल पढ़ो नहीं तो, गधा 3000 क्या लिख रहा, शुभम पौंडा तुलसी गीता कुंतल चांदनी क्रेजी गुरजोश अभय अनु ठीक है आप लोग, दीप नारायण गलत, कितने टाइम लगेगा क्लास खत्म होने में, इसको क्लास खत्म का टेंशन पड़ा है और 5-7 मिनट ठीक है बस, मतलब 9:10 तक क्लास ओवर हो जाएगा, जल्दी। नीरज तो फिर जिसका गलत होगा तुम बताओगे, ये बोलता है किसी का नाम मत बोलिए, टाइम दे देते हैं, इससे कम टाइम में नहीं हो पाएगा ठीक है, अब किसी का हम गलतियां नहीं बताया तो कैसे उसको पता चलेगा ठीक है, पढ़िए थोड़ा, सी होगा ठीक है, मैक्सिमम 10 राउंड क्योंकि मार्क 4 का 10 होता है और डिलक्स का 5। 5.56 mm इंसास रिफल की फायर की स्थिति क्या है, 30 से 60, 20 से 60, 40 से 60 या 60 से 150, मतलब खाली पढ़ाते जाएं एकदम रफ्तार में, गलत सही नहीं देखे तो सजेशन अपना गंदा वाला अपने पास रखो ना, बेवकूफ कहीं का। चलिए जल्दी फास्ट, ऐसा आएगा, ऐसे आता है क्या 480 नंबर, हाँ भाई आप कुछ भी लिख रहे बाबू सोना करके, सब सही है सब सही है। चलो जल्दी क्या होगा 47 का
अभी सबका सही होना चाहिए। माया सिंह फिर से गलत, फिर से बी लिख रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो समझा रहा था ना कि इसका नॉर्मल होता है 60 और ये एसएलआर का बता रही है इंसास में, देख रहे हो। और शिव प्रताप रूबी ठीक है, अमृत बेटा पढ़ क्या, एसएलआर का ठीक है, इंसास इसका बड़ा भाई तो इंसास का तू एसएलआर बना रहा। बाकी लोग श्री कृष्णा मेघन सचिन ठीक है, विकास गलत, मतलब पढ़ के आइए थोड़ा। अरे 60 राउंड अभी तो बताया था ना नॉर्मल, 150 राउंड रैपिड तो डी होगा ना। एलएमजी की अधिकतम सीमा ट्राइपॉड पर कितना गज है, अभी ट्राइपॉड है उस टाइम बाइपॉड था, तो ट्राइपॉड पर कितना होता है मैक्सिमम रेंज ऑफ एलएमजी, 2000 गज, 500, 1000 या 300। सभी को जय हिंद, राम राम। पास मतलब ये लोग फालतू का डिस्टर्ब करने आते हैं, वो पढ़ने नहीं आया, वो आया सजेशन देने। ऐसे नहीं, आप ऐसे कीजिए, किसी को ये नहीं बताइए कि आप गलत हो, नहीं तो फिर पढ़ लेंगे ना, फिर सुधार कर लेगा। बस आप ऐसे रीडिंग मारते जाइए गधा। चलो जल्दी 48 का क्या होगा, मैक्सिमम रेंज ऑफ फिल्म जोन ट्राइपॉड। मुन्ना महेश हिमांशी आकाश गुरजोश आर्यन काफी मूड में हो, इनायत ठीक है, शीला ठीक है, रंजीत ये लिखता है 1000 गज। अरे गधा ये तो हम बाइपॉड पे लिखे था ना 1000, तुम्हारे कहने का बाइपॉड ट्राइपॉड जितना पॉड होगा सब पे 1000 गज ही होगा। करण कोहली नुरुत्ती आप लोग ठीक है, रोहित गलत ठीक है, 2000 गज ट्राइपॉड पे, बाइपॉड पे 1000, तो ये होगा। 1.22 इंच राइफल की सामान्य फायर की दर कितना राउंड प्रति मिनट होता है, 10 से 15, 5, 20 या 60। नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ 0.22 इंच राइफल, जल्दी। अरे एक घंटा में कौनो नहीं पढ़ाएगा 60 को क्वेश्चन ठीक है, वो भी इतना सबको गाइडलाइन देते हुए, हम लोग थोड़ा फास्ट इसलिए बोलते बोलते इधर पेन होता है ठीक है, बैंड बजता है, तो पढ़िए थोड़ा, चलो जल्दी। इसलिए तो अपना रिजल्ट बनता है ना, इस बार जो न्यू भर्ती हुआ था ना 2022 में अपने 100% बंदे सिलेक्ट हो गए थे, मतलब जितने लोगों ने अच्छे से क्लास किया रेगुलर, कोई भी रिटेल में फेल नहीं हुआ, फिजिकल में जो छट गया तो छट गया, कोई बंदा फेल नहीं हुआ था क्योंकि अपने ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम आते, बीसी का देना एक का पढ़िए अच्छे से, सेम क्वेश्चन आएगा। हाँ ठीक है, अरे अभिनव शुक्ला काहे शर्मा रहे हो, ठीक है 5 राउंड होता है इसका नॉर्मल रेट ऑफ फायर, बी होगा। एसएलआर की मारक क्षमता कितनी है, ध्यान देंगे, एसएलआर राइफल की मारक क्षमता मतलब कितने दूर तक इसका बुलेट जा सकता है मैक्सिमम, 2700 गज, 900 मीटर, 1000 मीटर या 2700 मीटर। फास्ट मोनू हाथ जहिन, कितना जहिन करता है तू, प्रथम गलत, जल्दी। मतलब रेंज ऑफ एसएलआर कितना, टाइमेस नहीं जल्दी से, टॉप 5 विनर कौन है, अरे हिमांशु पढ़ के आ पीयूष, गधा 2700 गज लिखता, अरे 2700 मीटर प्रति सेकंड, फीट प्रति सेकंड उसका मजल में छोटी होता है, कहां क्या है उसको पढ़ के आइए ना। मारक क्षमता पूछा सचिन सीतू राहुल माधव जयश्री मुकेश और सचिन टॉप 5 में, उमा दांगी आप सारा आंसर गलत बता रही, पढ़ के आइए। चांदनी नुरुत्ति जसमाल अभिषेक ठीक है प्रथम, 1000 मीटर ठीक है, तो सी होगा। फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में, 5 भागों में, 4 या 6। इधर देखो एक अभी कर रहा है व्हाट्सएप कर रहा, गुरुजी जो एसएससी जीडी में जितनी भी वैकेंसी आती है जिसमें सीआरपीएफ पता नहीं क्या कर रही है, मतलब कुछ भी ये लोग करते हैं। चलिए फास्ट फायर करते समय टारगेट कितने भागों में, मैंने उसका नाम भी बता रखा कौन कौन, बुल और क्या होता है इनर, इनर मेगापाई, मेगापाई और आउटर, आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो गया, जब मैं एनसीसी में था मुझे याद नहीं था ये। हाँ ठीक है, सी वाले टाइगर है, बाकी लोग गलत है, 4 पार्ट्स में ठीक है, फायर करते समय टारगेट 4 भागों में, तो सी होगा। 9 mm कार्बाइन मैगजीन में कितने राउंड आते हैं, 32 से 34, 30 से 40 या 20। फास्ट और 4-5 क्वेश्चन है बस,
ओनली 4-5 क्वेश्चन बचा, इसका मैं देख लेता हूं कितना क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं तो फिर ये पता नहीं चलेगा ना, लास्ट के दो क्वेश्चन पर टॉप 10 का नाम लेना है ना, फिर पता नहीं चलेगा हम लोग भूल जाएंगे। चलिए जल्दी सभी लोग, कितना, अरे क्या होगा भैया, करवाइन में आर के यादव, आर्यन, गीता, मुकेश, ठीक है, माया फिर से गलत, अरे माया मैंने स्टेनगन बोला था, कार्बाइन नहीं, स्टेनगन और एलएमजी का 30 होता है, ठीक है, इसका नहीं होता, ये गलत है। रंजीत, उमा, मुन्ना, रामलाल, रघुवीर, ठीक है, आदर्श, अस्प्रीत, इनाज, संध्या, आप लोग ठीक है, कोमल, 32 से 34, तो ये होगा। स्टेनगन का अधिकतम रेंज कितना होता है, 100 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर या 500 मीटर, देखो भैया कमजोर कोई नहीं होता इस दुनिया में, ठीक है, ये बात मैं प्रैक्टिकली जानता हूं और आप लोग बात समझिए, ठीक है, मैं इतना कमजोर, लेकिन मैंने आज तक जो काम किया, जो भी एग्जाम दिया, अगर मैंने बढ़िया से किया ना, जो भी किया बढ़िया से किया, मैं कभी फेल नहीं हुआ। एक बार तो मैं तुक्का मार के टॉप हो गया था, कोचिंग में तुक्का लगा के टॉप हो गया, क्योंकि मैथ्स मेरी काफी स्ट्रांग थी, और टीआरटी फाउंडेशन भोपाल से आया था ना, वहां जो इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग वाला, टेस्ट लेने हमारे कोचिंग में पटना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मैथ्स मेरी काफी स्ट्रांग थी, मैथ्स में मैंने 7 क्वेश्चन 10 में बनाया, निगेटिव मार्किंग था नहीं, फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चन बनाया जितना पढ़ा था, ऐसे मैं टॉप कर गया, ठीक है, 1100-1200 बंदों में। तो अगर मेहनत करते हैं ना, तो बाहर का भी जो है ना, पूरी कायनात मिलकर आपको सपोर्ट करती है, तो मेहनत नहीं करोगे तो कुछ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। प्लाटून हेडक्वार्टर में कुत में कौन सा मोटर होता है, 51 इंच मोटर, 84 इंच मोटर, ए और बी दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये चीज आप जानते हैं, ये चीज ये समझते हो, इस वर्ड को जानते हैं, जीत, एक होता है ना आदमी का जीतने की आदत हो जाती है, आदत कैसे होता है, क्या उतना मेहनत करता है, जो काम करता है उस पर पूरा मन से लगता है, ठीक है, तो जीतने की आदत बनाइए, ठीक है, जीत को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाओ, फाड़ते जाओ एकदम, आग लगाते जाओ। चले जल्दी से, हाँ मैं मैथ से था ना ग्रेजुएशन, लेकिन ग्रेजुएशन में हम लोग पढ़े नहीं, हमारे ग्रेजुएशन में हम लोग छाप देते हैं, कुछ नहीं पढ़े, सब भूल गए मैथ, नहीं तो आप लोग को मैथ्स का ना, मैं 12th का मैथ्स इतना बढ़िया से पढ़ाता ना, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग था मैथ्स। रूबी, राहुल, शिव प्रताप, खुशबू, हिमांशु, आकाश, ठीक है, रामलाल, सभी लोग प्लाटून हेडक्वार्टर में 51 इंच मोटर, लेकिन ध्यान देंगे, ठीक है, 51 ये होगा। नेक्स्ट, एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी स्टेनगन होती है, 3, 5, 2 या 4, जल्दी, मैथ से था लेकिन हम लोग उसमें पढ़े नहीं ना। ललिता, करण, अरे भाई आप लोग अभी कहां, कितना पीछे हो, सुमिला, अनु, अभिषेक, ठीक है, विकास कुमार, अभय, गुड़जोश, अभय आंसर बता, स्टूडेंट बॉय करेक्ट, एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी स्टेनगन, पास कमीशन लग, क्या होगा 55 का दर्द जिंदगी क्वेश्चन में लिखकर, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितनी स्टैंड गन, जल्दी, बस श्री कृष्ण चिट्ठी मार रहे हो, पढ़ क्या, जय श्री रंजीत, मुकेश, शीतू, सचिन, रिया, योग, सजात, नमगुरोश, बहुत लोग गलत हो, सी होगा, ठीक है, 2 स्टैंड गन, सी वाले सही है। अभी 2 क्वेश्चन बचे, टॉप 10 का नाम आएगा बस, बाकी लोग का नहीं, टॉप 10 में आना अगर दम है तो। एसएलआर की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं, 5, 10, 20 या 30, इतना हार्ड क्वेश्चन आ गई तो, एसएलआर की मैगजीन कैपेसिटी कितनी, मैक्सिमम कितने राउंड आते हैं, टॉप 10 में कौन है पास, अरे रामलाल गलत, रनिंग नहीं आती थी, रनिंग निकालिए, चांदनी, गुड़जोश, चलो जल्दी फास्ट, क्या राइफल की किस्म है, वीआर किंग है, मतलब क्या राइफल की किस्म है, राइफल का कोनो गिनती है कितना प्रकार का होता है, कमाल करते हो, कौन होगा विनर, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, चलिए फास्ट, 56 का क्या होगा, टॉप 10 का नाम आएगा बस 2 क्वेश्चन पे, राहुल, क्षत्रिय, शिव प्रताप, दीपराज और सीतु टॉप 5 में, टॉप 10 में कौन है, पूनम, आदर्श, रंजीत, अस्प्रीत, सुमिला, रिया और मुन्ना, बाकी लोग पीछे रह गए भैया,
बाकी लोग पीछे रह गए। अरे एसएलआर का 20 राउंड सिंपल है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, मुझे लगा दो है। ऐप सब लोग डाउनलोड कर लो ठीक है भैया जी, प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे सब लोग, जो लोग नहीं किया डाउनलोड और जो लोग पहले से डाउनलोड किए हैं, ऐप आपको कैसा लग रहा है उस पर जो डाटा है उसका रिव्यू दे देंगे ठीक है, और 5 स्टार दे देंगे, मतलब यूज करने के बाद, ये नहीं कि डाउनलोड करते करते नहीं, यूज करने के 10-15 दिन बाद देना ठीक है, रेटिंग और रिव्यू। प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करो तेजस एनसीसी आर्मी, फ्री में सारे डाटा उसको डाउनलोड कर लीजिए। अभी इस पे मतलब कुछ डाटा बाकी है, वो सब धीरे धीरे कर दूंगा ठीक है। बाकी टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मॉडल पेपर अपलोड कर दिया, इंग्लिश वाला डाटा कम है, इंग्लिश में केवल टॉपिक वाइज अवेलेबल है ठीक है। और आर्मी एयर नवल तीनों विंग का है, न्यू भर्ती का भी है, ए सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट सब है। पीडीएफ इस वेबसाइट पे मिलेगा, पीडीएफ यहाँ पे मिलेगा ठीक है। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना उसकी जानकारी इस प्लेलिस्ट में, वीडियो देख लेंगे। और 2023 का मॉडल पेपर ओरिजिनल आंसर के साथ एक मॉडल पेपर अभी इस प्लेलिस्ट में, इसमें ठीक है, सारे मॉडल पेपर 2023 वाले इसमें अपलोड करूंगा ठीक। एक अपलोड है उसको पढ़ लीजिएगा, जरूर नहीं पढ़े पूरा आंसर के साथ। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। और व्हाट्सएप का कोई एक ही ग्रुप ज्वाइन करना, सारे नहीं सर, लगा कल सुबह में 7 बजे होमवर्क तो सुन लो, अब जो होमवर्क नहीं सुनेगा पड़ेगा कहां से। कल सुबह में 7 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट चलेगा सब्जेक्टिव, शाम में 6:50 में मॉडल पर 12, और 4 बजे जो अपना दूसरा चैनल है आर्मी का भर्ती जस डेली क्विज टेस्ट होता है, 4 बजे टेस्ट देंगे ठीक है। और फिर 8:05 में कल क्विज टेस्ट चलेगा मिलिट्री हिस्ट्री और कम्युनिकेशन दोनों का ठीक है। फिर भी कितना मिलते चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लेंगे और पढ़ रहिएगा, टाइम वेस्ट नहीं ठीक है, मतलब फुल टाइम का इस्तेमाल करने के 1 सेकंड। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।